का। वैसे आप देख सकते हो वहाँ पे क्या हाल है। अरे भैया वहाँ बहुत खतरनाक हाल है यार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आदमी फिर से आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके, तो आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट स्काई फैक्ट्री के बारे में। हाँ भाई, इसका पार्ट नंबर मेरे को पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसका पिछला वाला वीडियो किस पे था ये मेरे को जरूर पता है। तो भाई वो था क्रोक पे ना, जो ये एडवांस क्रोक है ना, तो ये भाई 6+6 अटैक डैमेज एंड फास्ट एंड ब्रेकिंग लीव्स एंड लॉक्स हाई ड्यूरेबिलिटी, तो इस पे था। अगर इसको कैसे बनाते हैं, इसका यूज़ क्या है, इसको बनाने से हमें क्या मिलेगा, इस पर वीडियो था। अगर आप सभी ने नहीं देखा है अभी तक तो देख लेना, ऊपर आई बटन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और उससे पिछले वाला वीडियो शायद बोन डिगर पर था, बोन डिगर उस पर था। आप देखना चाहते हो देख सकते हो। स्काई फैक्ट्री को डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से स्काई फैक्ट्री को डाउनलोड कर सकते हो ना, इजी तौर पर डाउनलोड कर ले कर सकते हो वहाँ से ना भाई। तो आज का वीडियो किस पर, आज का वीडियो है भाई है ना, आज का वीडियो है भाई मोब ग्राइंडर। तो आज मैं बनाऊंगा मोब ग्राइंडर। तो काफ़ी दिनों से मैं बनाने की सोच रहा था मोब ग्राइंडर, और बना क्यों नहीं रहा था। तो मेरे पास इतनी वुड है ना, लकड़ी चाहिए, उसमें काफ़ी सारी लकड़ी लगती है, तो वो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने इसलिए वो नहीं बनाया ना। तो देखो इतनी सारी वुड मैंने कलेक्ट की है, तो बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में, वुड को नहीं भाई, वुड को इकट्ठा करने में। देखो फिर भी मेरे पास इतने सारे ट्रीज है अभी तक, इनको पूरे को काटना है, फिर ये लगाना है, बाकी पूरे पे फिर से बोन मिल मारनी, इस तरह से करना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। और देखो ये काफ़ी सारी ग्रास आ गई इस पर, देखो दो ब्लॉक्स रह गए अभी तक इनमें नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, आ जाएंगे इस पर भी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है एनिमल स्पॉन एरिया, तो थोड़ा बहुत और बड़ा कर दूंगा ना, फिर इसमें एनिमल स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा बड़ा होगा ना तो फिर से स्पॉन होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे को ग्राइंडर इसलिए चाहिए मॉब ग्राइंडर, क्योंकि इसमें सारा काम मॉब्स पे हो गया ना, मॉब्स जैसे आप स्केलेटन है, स्केलेटन बोन ड्रॉप करता है, इसके अलावा फ्लिंट ड्रॉप करता है, तो इसके अलावा जो क्रिपर होता है वो जो गन पाउडर करता है, और जो चारकोल चंक ऐसे टाइप करता है, तो जोम्बी आप जानते हो, जोम्बी कुछ भी स्पॉन सॉरी ड्रॉप कर सकता है भाई, कुछ भी ड्रॉप कर सकता है जोम्बी। और स्पाइडर है ना, ये करता है देखो पॉइजन स्पाइडर को, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो स्पॉन करते रहते हैं। तो जैसे एंडरमैन भी चाहिए मुझे, तो वो भी मेरे को चाहिए ना इसलिए। हाँ तो शुरुआत करते हैं अब एक मॉब ग्राइंडर बनाने की, उसके लिए मेरे को वुड चाहिए काफ़ी सारी, तो यहाँ से इतनी सारी ले लेता हूँ मैं। देखो 64 के दो स्लॉट्स मैंने ले लिए, तो आप ये ना मैं पूरा बताऊँगा किस तरह से बनाते हैं। अरे भैया काफ़ी सारा ना बहुत मैंने लिया ही नहीं, मेरे को एक तो ये चाहिए ये क्रोक, इसके अलावा मेरे को एक ये चाहिए, और कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है ले लेता हूँ ना, स्वाड की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मेरे पास है एक वुडन एक्स, और मेरे पास एक क्रोक, तो ये इसलिए ले रहा हूँ क्रोक ना, मैं ऊपर से गिरूंगा नहीं इसको रखूँगा तो ना, इसलिए ले रहा हूँ। तो देखो मैंने इधर पहले से काफ़ी बड़ा एरिया बना दिया था, तो इसको फिर से लगाऊंगा ताकि क्रिपर कोई चला जाए। देखो यहाँ पर कितने सारा बड़ा एरिया ना, ये भी बनाऊंगा मैं एक मोब ग्राइंडर। तो वुड प्लैंक्स बना लेते सबसे पहले ना, तो काफ़ी सारे बन जाएंगे मेरे लिए कहाँ यहाँ से ना, तो इतने अभी काफ़ी है और बांध बनाऊंगा। तो शुरुआत उसकी नीचे से करनी होती है ना, और फिर ऊपर तक उसको लेके जाना है, काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन बनने के बाद इतने सारे उसमें मोब्स स्पॉन होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ तो शुरुआत करते हैं, तो ये जगह आप सेलेक्ट कर लेना कोई सी आपके वर्ल्ड में ना, तो शुरुआत इसलिए ऐसे करनी है, देखो मैं दिखाता हूँ। पहले आप सभी को इस तरह से एक ब्लॉक रखना है ना, और 3x3 बनाएंगे, मतलब तीन ब्लॉक छोड़ के बनाऊंगा इसमें ना। तो देखो ये एक, ये दो और ये तीन, तो भाई ये ना देख लेता हूँ ना, तो ये एक हो गया, ये दो, ये तीन और ये चार है ना, यहाँ पे रखते हैं एक, तो छूट गया तीन ब्लॉक। अब एक और भाई, इधर भी वही काम, एक दो तीन और चार है ना, इस तरह से 3x3 बनाना है। तो देख लेता हूँ इधर एक, तो इधर बस वही रखना है। अरे भाई टूट क्यों रहा है। हाँ तो एक दो तीन और चार, वैसे इसके सामने भी रख सकता था मैं, तो भाई इस तरह से हमें 3x3 का बनाना है। तो ये एरिया रहेगा मॉब्स के गिरने का, देखो यहाँ से, तो यहाँ से आप ऐसे मार पाओगे उसको ना, बिल्कुल आसानी से मार पाओगे। तो अब इसको ना 3x3 तक ऊपर लेके जाना है, देखो ये दो तीन हो गए ना, तो इस तरह 3 तक इसको ऊपर लेके जाना है, तो और ज़्यादा इतने ऊपर मत उड़, तो एक दो 3 हो गया ना, हाँ 3 हो गया। तो पहले से एक, पहले से ये दूसरा और ये तीसरा,
इस तरह से लेके जाना है ना, ऊपर तक लेके जाना है और ये एरिया रहेगा इसके गिरने का। तो फिर इस इन तीनों को आपको ऐसे फोर्थ ब्लॉक रखे ना, पूरी को जोड़ देना है इस तरह से। तो इसको 4x4 मान सकते हो आप, ऊपर 4 और नीचे 3x3 इस तरह से आप मान सकते हो। बिल्कुल ईजी है बनाना, तो मैं सारा बताऊँगा। तो वैसे देखो इस तरह से आपको रखते जाना है। तो अरे ख़त्म हो गया क्या वुड? बिल्कुल ईजी है, आप सभी को कोई इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं यार। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी मैं बोल रहा हूँ ना। तो भैया इस तरह से आप सबको इसमें रखते जाना है। देखो बस हो गया, मैं नीचे आके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का मिलेगा हमें, देखो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे वो मॉब्स गिरेंगे मस्त भैया ना। तो ऊपर चलते हैं अब। तो ये क्रॉक मैंने इसीलिए लिया, देखो कितनी आसानी से ऊपर आ गया ना। तो अब जो है ना ये जो ये हमें चाहिए नहीं, ब्लॉक्स तो कोने तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बकवास है, कोई काम आएगा नहीं कोना। तो अब इसको ऊपर तक ले जाना है। तो 60 दो तरह से बनता है, एक तो जो 24 या 26 है ना, 24 26 दोनों पे बनता है, आप तो दोनों बना सकते हो। मैं इसको 26 पे बनाने वाला हूँ ना। तो एक पहले से ही है ब्लॉक, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 भाई काफ़ी ऊपर आ गया ना। हाँ तो अब मैं आसानी से नीचे जा सकता हूँ देखो इससे क्रॉक से। तो फिर से एक बार और गिनूंगा मैं, क्या पता उसमें गड़बड़ हो जाए ना, तो मैं जल्दी से गिन लेता हूँ यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ तो भाई आप देख सकते हो मैंने इसको बना लिया है। इस तरह से आपको पूरा बनाना है। तो ये 26 ब्लॉक तक है। हाँ तो भाई इसको बनाने में दो बार मैं मर चुका हूँ, नीचे जाके आया हूँ दो बार। हाँ तो देखो फिर भी मैंने लैडर लगाया नहीं, क्योंकि मैं अभी ऊपर हूँ, मैंने लैडर लगाया नहीं है। तो आप यहाँ से ना एक लैडर लगा लेना, देखो यहाँ से या फिर बीच में या फिर साइड में, जो आपकी मर्जी वहाँ पर लगा लेना। क्योंकि लैडर पर आप अगर कुछ लाना चाहते हो नीचे आके, तो नीचे जा सकते हो ना, ऐसे नीचे जा सकते हो इससे क्रॉक से, लेकिन वापस आ नहीं पाओगे, इसलिए लैडर लगा लेना। लेडर जरूरी है, लेडर लगाना। तो वो अब कितना बन चुका ना, बिल्कुल ईजी है। जैसे हम एक सी फार्म बनाते हैं ना वाटर वाला, जो 22 ब्लॉक ऊपर तक बनता है ना वैसा, तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको 26 ब्लॉक तक बना रहा हूँ मैं, और नीचे से 3x3 बनाना है। तो मैंने पूरा बता दिया आप सभी को। अब देखो यहाँ पे कुछ करना है ना, उसको ध्यान से देखना भैया ना। तो यहाँ से इसको एक ब्लॉक यहाँ से आगे ले जाना है ना, देखो कुछ इस तरह से भैया। तो पूरा लेके जाना है इसको, पूरे में इस तरह से लेके जाना है। तो एक ब्लॉक तक आगे आके लेके जाना है, बिल्कुल ईजी है। देखो इस तरह से इधर इधर भी एक ब्लॉक आगे ना, चारों तरफ लेके जाना है एक ब्लॉक आगे। तो इन दोनों को ऐसे भरना है और फिर से हमारा काम चालू इस तरह से, बस एक ब्लॉक आगे। फिर मैं दिखाता हूँ आगे हमें क्या करना है। तो एक ऐसे लेयर बनाएंगे है ना, जहाँ पे ये ज़ॉम्बी टाइप जो भी है ना स्पॉन होता रहे, इस तरह से एक लेयर सी बनाऊँगा मैं। तो बेसिकली हो गया है हमारा काम, देखो एक है ना, एक हो गया। अब इसको एक ऊपर तक बनाना है ना, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। वैसे लकड़ी ख़त्म होने वाली है, मेरे को नीचे जाना होगा ना, काफ़ी सारी लग गई, देखो इसको बनाने में सारी खर्च हो गई यार। तो अब ना इस तरह से आप ऐसे यहाँ पे एक रख देना एक ब्लॉक यहाँ पे कुछ इस तरह से, और फिर उसके यहाँ पे इस तरह से टच करके एक अलग ब्लॉक रखना है आप सभी को कुछ इस तरह से। फिर इस वाले को तोड़ देना है, इस वाले से हमें कोई नहीं है। फिर यहाँ से इस तरीके से बड़ा करते जाना है, देखो इस तरह से। तो इसको चारों तरफ पूरा करना है ना इस तरह से। तो ऐसे 3 से 4 लेयर हमें बनानी है ना, तो दिखाऊंगा कि इस तरह से बनती है सारी लेयर्स। तो इजी है बिल्कुल, इतना मुश्किल नहीं है यार ना, लेकिन इसका वर्क ये अरे करने लग गया ना वर्क, तो भाई कमाल का वर्क करता है। और जैसे हमें एक्सवी फार्म बनाते हैं ना वाटर वाला, उससे भी तगड़ा वर्क करता है इसमें। पता नहीं कितने एक साथ मॉब्स स्पॉन होते हैं और गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहती है, उन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसलिए इसको बना रहे हैं भैया, और कुछ भी नहीं है। तो स्काई फैक्ट्री है, इसमें सारा काम मॉब से होता है ना। अब जैसे जैसे स्काई फैक्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसमें मशीन्स आने लगेगी, तो नई नई मशीन्स आएगी, तो उनसे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो वो मैं दिखाऊँगा ना क्या क्या बनती है किसी मशीन से। तो हो गया हमारा काम, इस तरह से बनाना है ना। अब आप सभी को इसके ऊपर जाना है इस तरह से, और इसको आप 4 ब्लॉक तो बनाना, देखो एक पहले से ही है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 ब्लॉक तक इससे बना सकते हो यार। तो 4 तक रहेगा, 3 तक से रहेगा, तो 4 तक बनाना। तो 1, 2 ना, ये 3 और ये 4। हाँ भाई अरे ये गलत लग गया ना, इसके बीच में एक ब्लॉक रह गया। तो इसके अलावा 1 ब्लॉक, हाँ भाई 1 ब्लॉक का वीडियो जल्द आने वाला है ना,
वन ब्लॉक मजेदार यार। तो इस तरह से पूरा करना है इसको, कुछ इस तरह से देखो मैंने पूरा कर दिया और देखो इस तरह से बनाना है। अब फिर से हमारा काम चालू, इसको एक ब्लॉक तक फिर से आगे लेके जाना है इस तरह से। देखो मैं दिखाता हूँ इस तरह से, इस तरह से लेयर बनेगी ना, तो इन लेयर्स में ज़ोंबी स्पॉन होंगे यार। तो फिर स्पॉन होने से क्या होगा भैया, स्पॉन होने से कुछ भी नहीं होगा, फिर मैं बीच में बटन्स लगाऊंगा और बटन्स लगाने का फ़ायदा ये होगा ना, बटन्स ज़ोंबी को ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है तो उधर चलने लग जाते हैं और फिर उधर जाते हैं ना तो फिर नीचे गिर जाते हैं ना, इस तरह से बटन्स काम आते। तो इन जो खाली जगह है ना यहाँ पर हम बटन्स लगाएंगे, बटन्स लगाने से फिर आप सभी समझते हो क्या हो सकता है, ज़ोंबी नीचे गिरेंगे, नीचे गिरते ही ज़ोंबी मरने लग जाएंगे और हमें मरने वाले ज़ोंबी चाहिए भैया। तो अरे भाई काफ़ी सारे ब्लॉक्स नीचे गिर रहे हैं, वैसे नीचे तो मैंने काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म बड़ा किया है, ब्लॉक्स मेरे को मिल जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को ब्लॉक्स चाहिए तो ये रह गया, इसको पूरा कर देते हैं। वैसे जो साइड में जो ब्लॉक्स है ना वो मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ भाई, कौन निकाले इतने ब्लॉक्स को, इसलिए मैं लगा देता हूँ। तो हाँ बन गया, बस ये पूरा बनने वाला है, इसको यहाँ से पूरा करो तो इस तरह से ना। तो अब फिर से आप जो यहाँ पे एक ब्लॉक रख देना इस तरह से, उसके साइड में इस तरह से ब्लॉक लगा देना है, देखो इस तरह से, फिर इस वाले को निकाल देना है क्योंकि ये काम का नहीं है, यहाँ तो हमें जगह चाहिए ताकि ज़ोंबी स्पॉन हो ना, इसलिए भैया। तो बस अरे भाई अभी तो नीचे गिर रहा, इस तरह से कभी कूदना नहीं चाहिए, नीचे गिर जाते यार, तो ऊँचाई से वैसे ही काफ़ी डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत ऊँचा बन रहा है यार ये। और भाई बीच में अब मैं उसको बना रहा था ना तो रात हो गई थी, तो पूरी रात को स्किप करना पड़ा, समझ सकते हो कितना टाइम लग रहा है मेरे को इसको बनाने में, पूरी हालत ढीली हो रही यार। तो वीडियो को एडिट इस तरह से करना होता है ना, सारी चीज़ों को स्किप करके मेन चीज़ें आपसे दिखानी होती है वैसे। तो अभी देखो फिर से रात होगी तो मेरे को फिर से उस नाइट को स्किप करना होगा, स्किप मतलब पूरी बितानी होती है इसमें यार, क्या कर सकते हो। स्काई फैक्ट्री में मेरे पास अभी बेड है नहीं, बेड हो तो मैं दो मिनट में उसको स्किप कर दूँ यार, क्या कर सकते अभी। तो और मेरे पास अभी तो काफ़ी है, तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। इस वाली को आप 3 ब्लॉक तक बना लेना, 3 तक बना लेना, हाँ भैया 3 तक सही है ना, वो नीचे वाले को 4 तक बनाया था, इसको 3 तक बना लेना, हाँ 3 तक सही रहेगा ना, वो वहाँ तक बना लेना। तो इस तरह से 3 तो होनी चाहिए, कम से कम 3 लेयर तो होनी चाहिए ना, ताकि ज़ोंबी स्पॉन होते रहे और नीचे गिरते रहे मरते रहे। तो या कहाँ तक हो गया, अरे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको भी यार, है ना, क्या करें यार, अब लगता है टाइम इसको बनाने में। वैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझ लो इसको ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भैया। इसको बनाना चाहते हो ना तो अगर इसका फैक्ट्री प्ले करो तो इसको बनाना ज़रूर ना, इसके बगैर आपका जो मॉब्स को पकड़ने का सिस्टम है ना वो पूरा नहीं होगा। रात होती है, आप इतने ज़ोंबीज़ को मार नहीं पाते क्योंकि क्रीपर आ जाते हैं, क्रीपर मारने देते ज़ोंबी को, इसके अलावा स्केलेटन एरो मारते हैं, तो इसके अंदर है ना अपने आप उनका काम होता रहता है ना, तो ये इससे सही है। तो अब इसको 3 तक बड़ा कर लेना ना भाई, एक पहले से ही है ना, ये 2 और ये 3 तक, तो इसको भी वैसे पूरा करना है। तो भाई मैंने इसको पूरा कर दिया आप देख सकते हो, और रात भी होने वाली है और मेरे जो ब्लॉक्स है ना वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ इस नाइट को ख़त्म होके, और यहाँ पे लेडर लगा के पूरी तरह से नीचे जाने वाला हूँ, मैं नीचे तो चला जाता हूँ अभी इसी की वजह से ना, तो भाई नीचे जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो आगे में। तो अभी रात होगी और यहाँ पे क्रीपर है भैया, क्रीपर फट गया और दूसरा क्रीपर ये भी फट गया, सब कुछ चला गया। तो यार देखो इस तरह से प्रॉब्लम होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, सबको फेस करना होगा, क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैं मिलता हूँ इस नाइट को स्कीप करके आप सभी से, और लेडर वेडर सब लगा के, तो आपको भी लेडर लगाना है, तो मैं मिलता हूँ इसको सबको पूरा करके यार। तो भाई आप देख सकते हो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैंने कुछ बोला नहीं है, इतनी देर से मैं इसको पूरा कर रहा था, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया नीचे आए हुए ना। तो भैया अब बटन्स बनाने हैं ना, देखो मेरे पास अभी वुड कितनी है भाई, वुड तो काफ़ी है, देखो लेडर एक्स्ट्रा लेडर बना ली, इतने सारे एक्स्ट्रा लेडर, डर होता है वापस नहीं आना पड़े इसलिए ना। तो भैया वुड से इतनी सारी ले लेता हूँ फिर से मैं ना, क्योंकि मेरे को बटन्स भी बनाने हैं, बटन्स का यूज़ मैं दिखाऊँगा क्या होगा ना। तो बहुत सारे ब्लॉक्स बनाने हैं अभी, तो एक और लेयर को पूरा करना है ना उसीलिए। तो यहाँ से इस वाले में बटन्स, ये बटन्स तो बहुत, अभी तो मैं थोड़े ज़्यादा बना लेता हूँ ना, काम नहीं आएंगे ना तो रख दूँगा। तो भैया कम से कम 64 ऐसे तो होनी चाहिए ना, ये क्या हो गया बंद है भैया,
हाँ तो मैं लेडर्स मैंने लगा लिया। देखो लेडर्स लगाने में मेरे काफ़ी सारी वुड चली गई यार, क्या करूँ मैं। तो इसको भी हाथ में लेना नहीं है, मेरे पास हेलमेट है, हेलमेट मैंने पहन रखा है, हाँ तो हाथ में ले सकता हूँ मैं भी। तो इतनी सारी वुड है, चलते हैं। और बीच में नाइट उसको स्किप करने में पूरा टाइम चला गया यार, तो मेरे को भी 1 घंटा हो गया इसको प्ले करते हुए, क्या कर सकता हूँ। तो वीडियो कम से कम 20 या 30 मिनट की होगी, लेकिन मेरे को 1 घंटा हो गया इसको, क्या करूँ यार। और तो ये मैं आ गया ऊपर, पूरे लेडर्स लगा दिए, ये मैं आ गया ऊपर। अब यहाँ तो मैं आसानी जा सकता हूँ इससे ना। अरे भैया इतना ऊपर ही मत जा यार, मर मत जाना कि मेरे को डर लगा यार, है ना। तो इस तरह से बना, अब एक और लेयर बनेगी इस पर अभी। तो अभी तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, नहीं उसके साथ जाऊँगा ना तो गिर जाऊँगा यार। तो फिर से वैसे वही काम, इस तरह से आप सभी को लेना। तो इस तरह से देखो, लग जा भैया, क्या करता है। इस तरह से देखो, ऐसे ही फिर से 2 ब्लॉक आगे, फिर 1 ब्लॉक ऊपर की तरफ, इस तरह से सारा काम होगा हमारा। तो लग जा यार, क्या कर रहा है। हाँ सही है। तो भैया इसको बनाने में देखो कितनी वुड, तो आप सोच रहे हो भाई दो वीडियो से बोल रहा है बना क्यों नहीं रहा ना, इसलिए नहीं बना रहा। देखो कितनी सारी वुड चाहिए मेरे पास, पहले वुड कलेक्ट करने में सारा टाइम लगा रहा था, अब कलेक्ट हुई है, अब बनाना शुरू किया है। देखो काफ़ी सारे एरिया बनाए थे मैंने ज़ोंबी को स्पॉन होने के लिए, लेकिन वो जो एरियाज कुछ काम के आ नहीं रहे थे मेरे में, क्यों नहीं आ रहे थे कि उन एरियाज में मैं जा नहीं पा रहा था ज़ोंबी को मारने के लिए, क्योंकि उनमें क्रीपर होते थे, उसमें स्केलेटन, ये जाने नहीं देते यार किसी को मारने के लिए ना, तो कोई फ़ायदा नहीं रहा था मेरे। फिर मैंने सोचा कि एक मॉब ग्राइंडर क्यों ना बना सकते आप स्काई फैक्ट्री में। तो भैया आ तो सोचा, और फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया एक मॉब ग्राइंडर। हाँ तो फिर बना रहा हूँ आज, और क्या है इसमें ना, फिर से आप सभी को इससे एक रख देना है, और 3 तक, हाँ 3 तक सही रहेगा ना। तो इसका ये वर्क कर रहा है क्या, ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि इतना मेरे पास अभी टाइम रहेगा नहीं कि इसको वर्क करते हुए दिखाऊं, या करने लग गया तो फिर सही है, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा ना। तो दोबारा इसको तोड़ने की मेरी वो नहीं होगी, लेकिन वर्क करेगा ये, हमें पता है काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये मॉब ग्राइंडर। इसकी वो क्या ना, इसकी फैसिलिटी यही है कि खासियत ये इसकी ना कि इसमें वाटर नहीं लगता। हाँ नहीं तो वाटर आ रहा तो 22 ब्लॉक पे ईजी बनाना, मैंने काफ़ी बार बना लिया इसको, बस मॉब ग्राइंडर को मैंने 1 से 2-3 बार बनाया था बस। एक बार तो क्रिएटिव मोड में बनाया था, एक बार मैं सर्वाइवल प्ले कर रहा था बहुत टाइम पहले ना, तब बनाया था। इसके बाद ये बस आखिरी यही है। तो मेरे को याद आ गया था ये ना कि हम एक मॉब ग्राइंडर बना सकता हूँ इसमें भाई। इसकी मेन बात यही है कि हमें पानी नहीं लगता इसमें, इसको बनाने में पानी बिल्कुल नहीं लगता ना, तो ये अच्छी बात है इसकी, पानी नहीं लगता। तो पानी तो वैसे इसका फैक्ट्री में अभी है भी नहीं, आगे देखेंगे पानी कहाँ से लेके आया है इसमें। तो भाई पूरा नहीं हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। अरे यार इतना सा हुआ है अभी, तो यार क्या कर रहा हूँ यार मैं टाइम पास। तो इस तरह से लगाओ और फिर इसको इस तरह से बढ़ाते जाओ ना, ईजी है यार बिल्कुल। तो साइड में भी लगाना नहीं चाहिए था ना, नीचे गिर गया ना तो मर जाऊँगा, मेरे क्रोक क्रोक सब चले जाएंगे यार, लफड़ा हो जाएगा ना, इसलिए मैं मरने मतलब ऐसे ना थोड़ा आराम से चीज़ें को यूज़ कर रहा हूँ मैं, गिरना नहीं चाहता नीचे से। लेडर लगा दिया, मैं इसे जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ लेडर की मदद से ना, लेकिन मेरी मूड काफ़ी चली गई यार, काफ़ी सारी मूड चली गई लेडर में, लेकिन लेडर बनाना भी ज़रूरत। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं वुड लेके जाऊंगा, सारा काम ऊपर ही करके आ जाऊंगा, फिर लेडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यार वुड ख़त्म हो गया ना इसलिए फिर लेडर मेरे को लगाना पड़ा। तो बन गया बस ये ना, देखो 3 तक हो गया। अब इसको 3 तक फिर से बड़ा करते यार, इसको यहाँ से आ गया, इसको 3 ब्लॉक तक और बड़ा करते हैं। एक भैया ना 2 हो गई और 3, तो इसको फिर से पूरी को इस तरह से भरना है ना। कॉर्नर्स को आप भरना चाहते हो भर सकते हो, वैसे कॉर्नर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं इसमें, आप अपनी वुड बचा सकते हो। मेरे को याद नहीं रहता इसलिए कॉर्नर्स को मैं भर देता हूँ कभी कभी क्या अभी इसमें तो पूरे को कॉर्नर्स को भरे यार, क्या कर सकते। तो वैसे अभी वुड है मेरे पास, है वुड अभी, ख़त्म नहीं होने वाली अभी तो भाई, भाई बहुत अभी तो है भाई, कोई वो कमी नहीं हो सकती। मैंने इतनी सारी वुड बनाने के बनाया नहीं, इसको कलेक्ट करने के बाद भी मैंने सोचा क्या यार कि एक ग्राइंडर बनाने की कोशिश करूँ या फिर रहने दूँ, क्योंकि इसमें वुड काफ़ी सारी लगती है, और अगर नहीं रहना तो और बीच में अटक गया ना तो लपड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर सोचा क्या पता इतनी सारी वुड तो हो गई यार अब कितनी लगेगी। तो फिर मैंने शुरू कर दिया, देखो फिर से मैंने कॉर्नर्स में लगा दिया, कोई नहीं भैया तो बनना शुरू हो चुका ये।
रात में जब इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे फिर आना शुरू हो जाएंगे ज़ोंबी जो भी मॉब्स। तो बस इतना, हाँ 3 ब्लॉक तो काफ़ी है, अब इसको कवर कर दूंगा पूरे को ना। अभी तो भाई काम शुरू है, अभी तो मेन चीज़ एक और है ना, उसको अगर आपने नहीं देखा ना फिर समझ में नहीं आएगा और ये बनेगा नहीं पूरा, तो उसको ज़रूर देखना, नहीं तो ये बनेगा नहीं आपसे वैसे यार। तो कम काम पूरा हो गया तो अरे हट जा, हाँ सही है, इसको तोड़ देता हूँ मैं ना, ये क्यों लगाया था मैंने यहाँ पे पता नहीं। तो हाँ इस वाली को रखना है ना यहाँ पे, आप सभी बटन्स लगा सकते हो देखो यहाँ से, अरे नीचे वाले पे नहीं लगाना ऊपर वाले पे लगाना है, देखो इस तरह से 3 इधर 2 इधर लग जाएंगे। अरे यार नीचे क्यों लग रहा है भैया, भाई नीचे नहीं लगाना, तो इस लेडर को बाद में, अरे कितनी नीचे लगेगा यार, तोड़ना पड़ेगा सारे को, काफ़ी जगह नीचे लग गया, नीचे नहीं लगाना भैया। फिर से रात होनी शुरू हो गई, अरे यार ये रात भी पता नहीं क्यों होती थी यार। इस तरह से आप यहाँ से बटन लगा, तो बटन क्यों लगा रहे हैं ना, इसे लगा रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या है ना, ज़ोंबीज़ को ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है, भैया मैं मर गया तो मैं गलती से नीचे गिर गया, तो भैया अच्छा है। अरे भैया यहाँ पे आ गया, यहीं पे आएंगे खा जाएंगे। तो नाइट, फिर से नाइट स्किप करो, इस नाइट को स्किप, भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार। फिर से गई 15 मिनट मेरे चाय चले गए, क्या कर सकता हूँ इसको, मैं स्किप करता हूँ फिर मिलता हूँ। और मैं ना ऐसे बनाना चाहता था, मैं नाइट में बना सकता था लेकिन आप सभी के समझ में आना इसलिए। और भाई देखो काउ स्पॉन हो गई, अरे भैया मजा आ गया भैया, सिप जल्दी स्पॉन हो, काउ तो होना शुरू हो गई स्पॉन, सिप हो जाए तो मज़ा आता है। तो भाई स्किप नाइट, तो नाइट स्किप हो चुकी है आप देख सकते हो, और दो काउ स्पॉन यहाँ पर हो चुकी है। बहुत इनको देख के काफ़ी अच्छा लगा, ये क्या है, ये क्या दिखा मेरे को यहाँ पे, कहाँ चला गया वो था जो, अरे भैया मेरे को लगा ना सिप है यार, ऐसे लगा मेरे को, दिखेगी पता नहीं कहाँ चलेगी। तो 2 काउ स्पॉन होना शुरू हो गई है, तो मैंने इसको इतना बड़ा किया, अब ये जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो काफ़ी सारी काउ यहाँ पे स्पॉन होना शुरू हो जाएगी, मज़ा आएगा भाई इनको देख के, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा यार है ना, अकेला काफ़ी पक गया था मैं। अरे देखो भैया मैंने उसको हाथ में ले लिया यार है ना, इसको मारो सबसे पहले, तो चल निकल यहाँ से बंदरिया। तो हेलमेट पहनो सबसे पहले, नहीं तो आप क्रोक हाथ में नहीं ले सकते यार, बन ऑन लग गया तो पूरा काम। हाँ तो फिर से ऊपर जाने वाला, मैंने बटन सारे आ गए क्या, आ गए भैया, फिर से चलो ऊपर। तो लैडर इसको मैं निकाल लूँ या फिर ना 1 ब्लॉक तक निकाल दूँ इसको, देखो एक भाई नीचे भी लग गया ना। और इसके अलावा आप यहाँ पे आप सभी को लगाना है, तो यहाँ पे लगाना, देखो यहाँ पे लगाना है क्योंकि यहाँ ऊपर भी जो स्पॉन हो गया ना वो नीचे गिरनी चाहिए ना, इसलिए ये लगा दिया मैंने एक बटन्स। अरे भैया नीचे नहीं यार, ऊपर लगना भैया नीचे नहीं, तो इस तरह से। और बीच में भी कुछ करना है, मैं दिखाऊंगा क्या करना है, इस तरह से भैया बस हो गया। अरे यार बटन्स की कमी ना रह जाए यार। तो क्राफ्टिंग टेबल मैं यहीं पे बनाऊंगा, नीचे जाऊंगा नहीं, यहीं पे क्राफ्टिंग टेबल बना लूँगा मैं। हो गया काम हो गया। तो अब क्या करना है ना, देखो इसको भी छोड़ना है, इस वाले को भी छोड़ना है। अरे दो मेरे साथ हो क्या रहा है, यहाँ पे भी 2 बटन लगा दिए मैंने, निकालो इनको। अब क्रोक ऊपर तक, अरे भैया देखो कुछ ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना, क्या कर सकता हूँ मैं। तो हाँ सही है, तो आप सभी को ना इस तरह से 3 था भाई, यहाँ पे आप सभी को इस तरह से रखना है एक, ये भैया क्या हो रहा है, ये 2 और फिर यहाँ पे 3, इसको फिर से तोड़ो और फिर सही है। तो इस तरह से बनाऊंगा एक है ना, कुछ इस तरह से, इसके पूरे में होने चाहिए ना यहाँ तक, फिर मैं उसको तोड़ दूंगा। तो इसके ना इस ऊपर आप सभी को एक है ना प्लेटफॉर्म टाइप बनाना है, ये क्यों बना रहा हूँ ना, यहाँ पे भी ज़ोंबी स्पॉन होंगे ना इसलिए भैया। तो हाँ सही है, नीचे से एक छोटे वाला, ऊपर से एक खुल के, हाँ इस तरह से बनता है। तो कहाँ तक था ये, हाँ सही है भैया पूरा इसको ना पूरे को भरना है, फिर यहाँ से पूरे को भरना है। तो हो गया हमारा काम बस, हाँ हो गया, इतना बड़ा नहीं बनेगा ये, वैसे ऐसे तो इस वजह से इसको समझाने के लिए बनाया। अभी देखो मैं क्या करता हूँ इसके साथ,
थ्री ब्लॉक थ्री तक था ना, थ्री लेयर, हाँ थ्री तक है, हाँ हो गया पूरा गाँव। तो इसी को है ना, फिर से नीचे बैठ जाता हूँ मैं, इसको पूरे को भरना है उसी को कुछ इस तरह से। भैया पूरे को भरने में काफ़ी सारी वुड लग रही है, ये वुड ही तो नहीं लगानी यार, क्या कर सकता हूँ, मेरी वुड ख़त्म हो रही है यार अब। अरे काफ़ी सारी है यार अभी तो ना, बन सकती है काफ़ी सारी, मेरे को नहीं लगता कमी होगी यार, फिर भी एक टेंशन सा रहता है यार, कमी होगी तो क्या करूँगा ना हिस्से से। तो हाँ पूरे को बस कवर होने वाला ही है। तो यहाँ पे एंडर मैंने फिर चार ब्लॉक तो इसलिए बनाया था ना ताकि एंडरमैन भी स्पॉन हो सके। हाँ अब देखो पूरा काम हमारा चालू हो चुका है, तो एक बार मैं ऊपर जाके मेरे को देखना होगा इसको, तो यहाँ से एक बार ऊपर जाके देखना होगा कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा गलत हो गया ना, यहाँ से इसको तोड़ना होगा मेरे को, यहाँ से इसको तोड़ना होगा यार, तो ये थोड़ा थोड़ा आगे हो गया इसलिए, तो तोड़ देता हूँ इसको जल्दी जल्दी से मैं, बस टूट जा भैया क्या करूँ। तो टूट गया, सही है। अभी नीचे जाके देख लेता हूँ एक बार, हाँ सही है। तो इस तरह से ना फिर देखो यहाँ पे ज़ॉम्बी आएंगे ना, वो यहाँ पे गिर जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको बटन्स लगाने हैं इस तरह से पूरे में, इसमें पूरे में लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी वो ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे ना, तो वो नीचे गिरेंगे यार, इसलिए लगा रहा हूँ ये सब मैं। तो शायद बटन लगाते समय गिर नीचे मत गिर जाना, आराम से लगाना भैया। तो भैया हो गया, तो देखो यहाँ पे वो हो गया ना, यहाँ पे आ जाएंगे फिर, यहाँ पे ये मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी लगाना है उसको ना, ख़त्म हो गया क्या, यहीं पे क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ ना, बाहर नहीं जाऊँगा मैं, नीचे जाने में काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा ना। तो बटन्स ये रे बना लेता फिर से, मेरे को लगा भाई कम नहीं पड़ेंगे ना, लेकिन बटन्स फिर से कम पड़े इतने यार, एक बार में सिर्फ एक ही बटन बनता है, क्या यार भाई पूरे को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो हो गया, बटन्स लगाते जाओ इस तरह से ना, यहाँ पे भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए इसलिए लगा रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे भी सही है, यहाँ ये यहाँ पे लगेगा नहीं, तो यहाँ पे पहले से लगा रखे मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो लग गया, पूरा लग गया, यहाँ पे नीचे लगाना है, ऊपर लगाना है, फिर उसको कवर तो बस करना ही ना, पूरा कवर तो होगा वो, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, आ गया भैया। तो देखो लग गए सारे बटन्स, अब फिर से ऊपर जाओ थोड़ा, हाँ सही है। तो ये हो गया ना, मेरे को एक नीचे था, हाँ एक यहाँ पे भी लगाना है यार, देखो एक बार देख लेता हूँ मैं। तो ये सबसे ऊपर वाला है, एक नीचे यहाँ पे, एक बनेगा यहाँ पे, हाँ एक यहाँ पे बनेगा, तो मेरे इसको ना छोटे वाला बनाऊंगा, यहाँ पे बनेगा एक, एक दो तीन, तीसरा यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक छोटे वाला बनाऊंगा, वो कुछ इस ऐसा बनेगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार आप सभी को। ये अरे नीचे तो लेडर था यार, लेडर सही है, सही भाई लेडर से आ गया, मेरे को लगा गया मैं, तो पूरा अंधेरा हो गया देखो अंदर। ये तो चाहिए ना ऐसे जगह पे ज़ॉम्बी स्पॉन होते यार। तो अरे क्या हो रहा है ये, मेरे को ऊपर जाना है यार, उधर क्या दिख रहे हैं मेरे को, इतनी सारी काऊ स्पॉन होगी क्या, ये क्या हो रहा है भाई, ऊपर क्यों नहीं जा रहा मैं, सही है हो गया। तो थ्री लेयर्स फोर लेयर जितना बनाना चाहो उतना बनाना चाहना ना, तो अगर ये वर्क नहीं किया तो फोर लेयर को बनाना होगा, लेकिन वर्क करेगा मेरे सामने कुछ इस तरह से, इसी के बराबर में बनाना है, हाँ सही है। फिर इसको हटा देना, देखो इसको काम का नहीं है, तो हाँ ऊपर वाले को मेरे को ना पूरे में वो करना पड़ेगा, बीच से ब्लॉक उसमें हटाने होंगे ना, उसको अलग टाइप से बनाना होगा। तो ये बनता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंडर मैन स्पॉन होगा ना इस तरह से, इसमें बटन्स लगाने हैं आपसे, वो पूरे बटन फिर से ख़त्म। तो अब इसमें ऊपर जाना थोड़ा प्रॉब्लम करेगा यार, हाँ ऊपर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो ब्लॉक लगा के जाना होगा इस तरह से, ब्लॉक लगा के जाना होगा।
तो क्राफ्टिंग टेबल जी पर रख रखी है, तो कितने हो गए बटन्स? तो वुड तो शायद कम नहीं पड़ेगी मेरे को लग रहा है ऐसा, फिर भी प्लैंक्स बना लेता हूँ जितने मेरे पास वुड है उसके। तो यहाँ से फिर से बटन है भाई, बटन बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। देखो यार क्या करूँ यार मैं, फिर भी बटन से कम है मेरे पास। हाँ देखो मैं इसको ये बताने वाला था ना, अरे भैया एक कुल्हाड़ी बनानी होगी, तो यहाँ से एक कुल्हाड़ी बना लेता हूँ, बन चुकी। इसको ना आपसे को निकालना है, इसको नहीं, इसको नहीं, पीस से जो ब्लॉक है ना वो मैंने भरे थे और गलती भर दी है। तो मैंने सोचा एक लेयर मेरे पास एक ऊपर है, लेकिन ऊपर लेयर थी नहीं, तो उसको फिर से हटाना होगा मेरे को। हाँ यहाँ से हटा सकता हूँ ऐसे में ना, या फिर उसके ऊपर भी जाके हटा सकता था मैं कुछ इस तरह से, या फिर आप उसको बीच में रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन मेरे सामने पूरे को हटा देना यार ना। तो ये ऐसी जगह बनती है ना जहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे और नीचे गिरने लग जाते हैं, तो सही है यार। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बन गया पूरा, सारा काम हो गया, तो नीचे ना गिर जाऊँ कहीं यार, फिर इसको फिर से हटाओ यार, यहीं से तो जाऊँगा आगे में। फिर से नाइट होनी शुरू हो गई यार भैया, मेरे को पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस वाले वीडियो को बनाने में। ओ यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यार, सही है। देखो ना यहाँ पे भी मेरे को बटन्स लगाने थे, बाद में लगाऊंगा ना, तो पहले यहाँ पे लगा देता हूँ बटन्स कुछ इस तरह से। तो भाई बटन्स इसमें काफ़ी सारे लगेंगे, पहले ही बोल देता हूँ ना, तो आप बटन्स बना के रखना पहले से ही। यहाँ पे नहीं लगाना बटन्स यार, आगे लगाना। इस वाली नाइट को स्कीप में कर नहीं पाऊँगा, करूँगा ना तो 2 घंटे पता नहीं कितने हो जाएगी इस वीडियो को, क्या करूँ यार। और यहाँ पे इस तरह से लगाने हैं, वहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे, तो वे ज़ॉम्बी स्पॉन क्यों नहीं हो रहे, हो जाना चाहिए तब तक। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। इसे मैंने बनाया सही है, इस तरह से बनता है ये, सही है भैया बन गया पूरा। एक और ऊपर जाके देख लेता हूँ इसको ना, ऊपर हाँ सही तो है यार, सही बना है। अब इसको ना यहाँ से कवर करना है पूरा, आप कर सकते हो इसको कवर। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, फिर कवर कर दूँगा इसको। अरे गिर मत जाना, सही जगह आ गया। इस तरह से कवर करना है इसको, पूरे को कवर कर देना। तो इसको तो मैं कर दूँगा, अभी कवर कर दूँगा इसको। तो पहले सारे बटन्स लग गए क्या, ये चेक करना होगा मेरे को। यहाँ पे मैंने बटन्स लगा दिए, देखो इस इधर मैंने लगा दिए इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉन हो गई, देखो मेरे को मार रही है, मेरे को मार रही है। नीचे जाना है तेरे को, चली गई अपने आप नीचे। यहाँ पे हाँ बटन्स लग गए, यहाँ पे लग गए क्या, लग गए बटन्स नीचे, तो मैंने लगा दिए थे पहले ही। तो काफ़ी जगह लग तो गए बटन यार, अब क्या चाहिए। तो इधर से मैं नीचे, हाँ यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से ना, यहाँ से तो यहाँ से आ गया ऊपर। अरे भैया सही है, सही सही जगह आ गया। यहाँ पे भी आप सभी को बटन्स लगाना चाहते हो तो लगा देना आप यहाँ पे ना। तो मेरे को इसके पार जाना है, तो सही है, तो यहाँ से लगा देता हूँ एक बटन्स। बस इसको जैसे पूरे भरेंगे ना, हमारा मॉब ग्राइंडर बन के तैयार हो जाएगा। ये ऐसे लेयर इसलिए बनाए ना, ये जगह है ना यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं यार। देखो यहाँ पे ना ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं, सारे बटन्स आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैंने तो भर दिया पूरे बटन्स को, पूरे मॉब ग्राइंडर को बटन से भर दिया। बस जहाँ पे ज़ॉम्बी, अभी जैसे इसको कवर कर दूँगा ज़ॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं इसको कवर करता हूँ, फिर मिलता हूँ ना। बस इसको कवर करना है, कुछ भी नहीं करना, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, तब तक रात भी चली जाएगी, और क्या करूँ यार। हाँ तो भाई आप देख सकते हो मेरा मॉब ग्राइंडर शानदार तरीके से वर्क कर रहा है यार, लेकिन इसमें ना एक कमी है, नीचे आते ही मॉब्स मर नहीं रहे यार। तो उसका कुछ नेक्स्ट वीडियो में तरीका बताऊंगा ना, इसको मारने का तरीका। वैसे आप देख सकते हो वहाँ पे क्या हाल है, अरे भैया वहाँ बहुत खतरनाक हाल है यार। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनसे कैसे पंगा लूँगा मैं, देखो 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 यार, लेकिन वो मर नहीं रहे नीचे आने के बाद। इतने ऊपर से ये बच कैसे रही यार, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। इतने अरे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन फटा, मेरे को आवाज़ है किसी के फटने की।
ये अपने आप फट रहे हैं तो। अरे यार वहाँ तो मैं गया नहीं, इससे यहाँ पे धमाका कैसे हो गया अपने आप यार। तो भैया यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है, और मेरे पास ये है ना, तो इसको लगा के आता हूँ मैं। तो ना देखो ऊपर से गिर रहे हैं ना, देखो इनको मारते फिर देखते हैं ना। फिर से फट गया, फिर से फट गया। इनको फटने की बहुत बहुत आदत लग चुकी है ना, सारे ख़त्म हो गए ना। अब देखो देखते आगे इसमें क्या होता है। देखो यार हो ना वहाँ पे वैसे काफ़ी सारे मर रहे ऊपर से आके ना, हमारा मोब ग्राइंडर काम करना शुरू कर चुका है, तो बहुत सारा सामान देखो वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो ऊपर देखो ऐसे दिखेगा ये बनाने में, अरे भैया तगड़ा लगता है यार दिखने में। तो देखो ऊपर से कवर करता है, देखो वो मर गया आके, तो बहुत बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है यार, बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। तो यह है एक मोब ग्राइंडर, और इस समय से मोब ग्राइंड होते हैं और नीचे गिरते हैं मरते हैं, शानदार तरीके से वर्क करता है ये। तो एक और तरीका बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनको एक जगह इकट्ठा करने का और सारे सामान को लेने का ना। तो भाई देखो मैंने 3 लेयर तक बनाया, इसको 4 लेयर तक भी आप बना सकते हो ना, मज़ेदार बनेगा अगर आप इसको 4 लेयर तक बनाओगे। तो बस वर्क करता ही, देखो कितने सारा सामान वहाँ भी इकट्ठा हो गया। अरे भाई अभी तो शुरुआत है इसकी, कमाल का होगा आ गया ना। तो भाई यही आज का वीडियो, आप ऐसा मोब ग्राइंडर बनाना चाहते हो। देखो फिर से गिरा वो एक और, तो ऐसे गिरते रहते सारे, पर देखो एक और गिर गया फिर से। वैसे ऐसे सारे दिन ये गिरते रहेंगे और मेरा सामान मिलता रहेगा, और मेरी स्काई फैक्ट्री शानदार तरीके से चालू हो गया अब, क्योंकि मोब ग्राइंडर बन चुका है हमारी स्काई फैक्ट्री में। आप स्काई फैक्ट्री को वर्ल्ड को ज़रूर डाउनलोड करना, ज़रूर प्ले करना, और मेरा स्काई फैक्ट्री में एक मोब ग्राइंडर बन चुका है। मेरा सारा सामान चला गया, सामान नहीं सारी वुड चला गई इसको बनाने में, लेकिन ये वर्क करता है और वर्क करने भी लगा है। मैं इसको 4 लेयर तक बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको ना ऑफलाइन ऑफ रिकॉर्डिंग इसको 4 लेयर तक बनाऊंगा। आप इसको 4 लेयर तक बनाना ना, मैं भी इसको 4 तक बनाऊंगा, फिर शानदार तरीके से वर्क करेगा। तो भाई यही आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इस लाइक करने में कुछ नहीं जाता, मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, लाइक कर देना यार है ना। तो ये स्पाइडर एक मारो इसको, अरे कहाँ जा रही है, मर जा, मर गई भैया मर गई। और भाई चीके स्पॉन होने है, एक दो हो गए यार, चलो अच्छा है कुछ स्पॉन तो हो रहा है यहाँ पे, जैसे बड़ा होगा ना फिर काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉन होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो आपको वीडियो पसंद आया हो तो। मैं उनका उसको मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।